शिवांगी जोशी का खुलासा, सीनियर एक्टर्स ने किया था शिवांगी को ह्यूमिलिएट। आखिर क्या कुछ कहा शिवांगी ने अपनी फर्स्ट डे शूट को लेकर, अपने एक्सपीरियंस को लेकर, जिससे इमोशनल होती हुई नजर आई शिवांगी जोशी, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, स्टार्स की जिंदगी में जब यहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्हें काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसा आता है जब एक्ट्रेस और एक्टर जो हैं अपने आप में काफी ज्यादा अलग महसूस करने लगते हैं और काफी ज्यादा लोग जब उन्हें परेशान करते हैं, खासकर सीनियर एक्टर्स जब न्यू कमर आते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ शिवांगी जोशी के साथ भी होते हुए नजर आया। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान शिवांगी से ये पूछा गया कि आप 14 साल की उम्र से इंडस्ट्री में हैं और आज आप 24 साल के हो चुके हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ह्यूमिलिएट का सामना किया हो, या मतलब सीनियर एक्टर्स ने कुछ क्रिटिसाइज किया हो? तो इस पर शिवांगी जोशी कहती हुई नजर आई, हाँ सबके साथ होता है, मैंने भी स्ट्रगल किया है, मेरा स्ट्रगल पीरियड थोड़ा कम था लेकिन जो भी था बहुत टफ था, और लोगों के लिए तो स्ट्रगल पीरियड काफी लंबा लंबा रहता है लेकिन मेरे लिए सिर्फ 6 मंथ था। और जब मैं फर्स्ट डे शूट पर गई थी तो मुझे देखकर ही सीनियर एक्टर्स ने कहा था, क्या शक्ल देखकर उठा कर ले आते हैं, एक्टिंग आती नहीं, कुछ आता जाता नहीं है, बस शक्ल देखकर ही लोग उठा लाते हैं। वेल, यहाँ पर शिवांगी ने कहा कि मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिली कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है, बस मेरी शक्ल अच्छी है इसलिए डायरेक्टर मुझे शो के लिए ऑफर कर चुके हैं। और ये सुनकर यहाँ पर शिवांगी ये भी कहती हुई नजर आई कि मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई, और उस वक्त मेरी मम्मा भी सेट पर थी और मेरी मम्मा भी थोड़ी डाउन हो गई, और मतलब उनका भी मूड ऑफ हो गया था, और मैं रोते रोते अपने वैनिटी वैन में गई, मम्मी को बताया भी तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, लोग बोलेंगे लेकिन तुम्हें आगे पढ़ना है। और शिवांगी जोशी ने कहा कि फिर मैंने कभी किसी ने भी मुझे क्रिटिसाइज किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज जो भी हूँ मैं इसी बात को लेकर इसी दम पर हूँ। वेल, अब यहाँ पर शिवांगी क्या हर किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, जब वो नए नए आते हैं तो हर किसी को क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अब कोई आगे बढ़ जाता है तो कोई उसी में खो जाता है। और शिवांगी जोशी आज जिस मुकाम पर है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इन दिनों वो बेकाबू शो में परी के किरदार में नजर आ रही हैं, तो क्या कहना है शिवांगी जोशी को लेकर आपको, आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खैर, टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए, बॉलीवुड की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।